नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसन सिग्नल का स्किनर बना उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, और मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो जिसका लिंक आप लोग को इस वीडियो पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप लोग भी फ्री ट्रायल के लिए ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है। उसका आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कल जो फाइल शेयर किया था, कल का डाटा का बेसिस पे, एंड ऑफ द डाटा बेसिस पे, वो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और ये वीडियो को सबसे पीछे ताकि जो मैंने बाइसल लेवल्स का देता हूँ और बाइसल लेवल देता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ, वो आप लोग को रेगुलर स्टॉक मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट करने से मदद करेगा। तो आप लोग ये वीडियो अंत से स्क्रीनिंग करना है, आप लोग अंत तक जरूर आप लोग पिछले वाला वीडियोज़ देख लीजिए, और कैसे स्क्रीन करना है, इसको कैसे मोस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, वो भी आप लोग देख लीजिए। देखिए मेरे बाद अब आज का डाटा का आज का ये जो फाइल है, ये फाइल मैंने 2.83 मिनट में इसका बाई लेवल था, और 522.63 में इसका सेल लेवल था, 528 और 522। तो इसे देखना पड़ेगा, सोच लीजिए मार्जिन रेट। तो इसमें 5 मिनट में मैंने चेक में लगा था, तो ये 528 में इसका बाई लेवल था, तो इसका ओपनिंग हुआ था 529 में, 529 में 531 में ओपनिंग हुआ था। तो अब लोग नेक्स्ट लेवल पे, मैंने बार बार बोलता हूँ कि जब गैप अप और गैप डाउन होगा, आप लोग नेक्स्ट लेवल पे एंट्री ले सकते हैं, 533 से 534 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो देखिए इधर आप लोग जब 531 से 534 के ऊपर एंट्री ले सकते थे, तो इधर ये हाई गया था 542 तक, ये पहले हाई गया था 542.95, उसका सेल लेवल आया नहीं था, 522 के नीचे सेल लेवल था, 522 के, तो ये आया नहीं था। तो और भी कुछ देख लेता है, कुछ भी कॉल पैल को देख लेता है एक बार, 1499 1491 पैल, चौदह सौ दस के ऊपर ओपन हुआ था, उसके बाद भी इसका नीचे ऊपर आ गया नहीं, इससे गया आता है उसको दिखाऊंगा। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज सोच लीजिए, एक्साइड इंडस्ट्रीज को काट किया था, तो इधर देख लेते हैं उसका हाई लो। आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए, जो बाइसल लेवल का रात में जो बाइसल लेवल का वीडियो बनाता हूँ वो देख लीजिए, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी अच्छी तरह सोच लीजिए, इधर 100 मूविंग एवरेज 100 लगाया, इसका ये कलर ये कर दिया, वायलेट कर दिया, पर्पल कलर कर दिया। तो काल का कैंडल को देखिए, ये काट किया था काल का कैंडल का पास, लेकिन काट ठीक से नहीं किया था, पास किया था, लेकिन आज का काल का हाई लो जब ये तोड़ा है, हाई जब तोड़ा था 192.25, तो सॉरी ये तो काट किया था इधर ना, ये 85 100 कहा है, ये है दिखा करो, सॉरी 85 का लगा दिया, इसको 100 का लगा। तो देखिए इसको काट किया था, आप लोग देख सकते हैं ये वाला है 100 में मूवी हमारे जी काल का, इसका जब हाई ब्रेक किया था तो 194.70 तक ये ऊपर गया था, इसका ओपनिंग हुआ था 191.60 पे, आप लोग एंट्री ले सकते थे, उसके बाद ये 194.70 तक ये हाई गया था। और भी एग्जांपल देख लेता है, बाइसेल मतलब 100 डे मिनट स्ट्रेटजी से ग्लेन मार्क का एक बार देख लेता है, देख हुआ था कि नहीं हुआ था, ग्लेन मार्क को देख लेते हैं, इसका लो ब्रेक हुआ था, इसका लो जब 340.60 ब्रेक हुआ था तो 337.25 आ गया था। तो यह है 100 डे ईएमए का स्ट्रेटजी का जो कैसे परफॉर्मेंस है आप लोग को दो दिखा दिया। और भी एक देख लेता है इंफ्राटेल को देख लेता है, इंफ्राटेल
इन्फ्राटेल को देखते हैं, इधर इसका हाई देखिए जब ब्रेक हुआ था 249 पूरी, तो ये 252 तक गया था, 252.50 तक गया था। तो ये मैंने इसके बाद मैंने इनर 4 इनर 7 इनसाइड दबा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या कैंडल स्टिक का एक कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो देख लेते हैं, अच्छा तो इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आदमी एंड इनसाइड देखिए ये एनआर 4 एनआर 7 भी है, वन डे का कैंडल का भी है, ये आदमी एंड, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो आदमी एंड जो इनसाइड द बार वन डे का बेसिस पे जो इनसाइड द बार है, तो उसका देखो अगला दिन का कैंडल का अंदर था, तो अगला दिन का हाई ब्रेक करना पड़ता है, और जब ये इनर 4 इनर 7 में अंदर भी आ जाता है, ये जो है ये इनर 4 इनर 7 इनर 4 इनर 7 का केस में आप लोगों को जो करेंट कैंडल है मतलब करेंट कैंडल कल का करेंट कैंडल क्या था, ये वाला था कल का करेंट कैंडल, इसका हाई लो ब्रेक करना पड़ता है। और जब वन डे का हिसाब से इंसेंट दबा रहता है या टू डे का इंसेंट दबा रहता है, तो वन डे या टू डे का पिछले वाला कैंडल का हाई लो ब्रेक करना पड़ता है। तो वन डे का मैंने इंसेंट दबा मैंने स्ट्रेटेजी मैंने पकड़ूंगा, तो इधर 216.25 के ऊपर 218 गया था, और कल का मतलब इनर फॉर इनर सेवन स्ट्रेटेजी पकड़ो 215.50 से ये 218 तक गया था। और उसके बाद कोई भी और भी कोई स्ट्रैटेजी देख लेता है, ब्रेक हुआ था क्या नहीं हुआ था, सोच लीजिए अपोलो टायर में हार आई हाई लो दिया था, हार आई हाई लो था, उसका कुछ हाई लो ब्रेक हुआ था क्या देखते हैं। अपोलो टायर देखिए हायर आई हाई लो बोला था पिछले 3 दिन का, तो उसका आज का भी हाई ब्रेक किया था, तो 175.50 से 176.65 तक गया था। तो और भी कुछ कैंडल देख लेते हैं, कुछ भी कैंडल सोच लीजिए, लॉन्ग स्टिक लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न एक्सिस बैंक था कल का, आप लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक में देखिए ये कल का कैंडल है, तो ये इसका कुछ ब्रेक हुआ नहीं था, आज कुछ ब्रेक हुआ नहीं है, तो इसका लेवल आया नहीं था। तो इधर देखते हैं लॉन्ग बॉडी कैंडल कुछ आया था क्या नहीं है, उसका हेलो ब्रेक हुआ था क्या नहीं होगा हुआ था। और फार्मा देखते हैं, और फार्मा देखिए लॉन्ग बॉडी कैंडल कल का ये जो कैंडल देखता है आप लोग, लॉन्ग बॉडी कैंडल देखता है इधर कौन सा कैंडल बना है आप लोग देख सकते हैं, इधर लॉन्ग बॉडी कैंडल एक्सिस बैंक कल का कैंडल था, तो इस सर जो 481 का जब हाई ब्रेक किया था ये 488.30 तक गया था। तो इसमें आप लोग को कोई भी स्ट्रैटेजी आप कोई भी कैंडल ब्रेकआउट आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसको शेयर फाइल शेयर कर देता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग कोई भी कैंडल पैटर्न देख सकते हैं, उसका उसका ही सबसे ट्रेड कर सकता है, जो रूल है उसका ट्रेड कर सकता है। और इधर फोर इनर सेवन स्ट्रैटेजी और आप लोग और भी एक काम कर सकता है, इधर सोच लीजिए इनर फोर और इनर सेवन में क्योंकि इनर फोर इनर सेवन ज़्यादा आता है, तो इधर आप लोग इनर फोर इनर सेवन देख के स्क्रीनिंग कर ले सकते हैं, इनर फोर इनर सेवन देख के स्क्रीनिंग कर लेने के बाद आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो स्क्रीनिंग होता है उसके बाद इधर फिबोनाची लेवल 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन और 1 दिन का हिसाब से और 30 दिन 15 दिन 30 दिन और 1 ईयर का हिसाब से आप लोग शॉर्ट कर ले सकते हैं। तो उसका बाद क्या करना है आप लोग को मैंने पहले भी दिखा चुका हूँ, मोस्ट इफेक्टिव वे टू यूटिलाइज मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल वे टू यूटिलाइज द बाइसेल्स का सिग्नल, तो इसको सबको आप लोग को सबको मतलब शॉर्ट कर लेना है, कोई भी साइड में शॉर्ट कर सकता है, मतलब बाइक का साइड में शॉर्ट कर सकता है या सेल का साइड में, जब मतलब इतना दिन का पहले से करेंगे तो आप लोग को ट्रेंड भी ऐसा ही मतलब स्ट्रांग रहेगा। और जो टेक्निक जो है उसको क्या करना है मैंने बोल देता हूँ, मैंने पहले भी मेरा वीडियो में बोल दिया था उसको क्या करना है, 7 दिन का हिसाब से 3 दिन का हिसाब से 5 दिन का हिसाब से आप लोग को देख लेना है एक कौन सा